कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे की तलाश के लिए पुलिस लगातार छापामार कार्यवाही कर रही है। इसी दौरान परिजनों से पूछताछ भी की गई थी। कल खुद विधायक मुरली मोरवाल भी थाने पहुंचे थे, जहां पुलिस को मदद करने का आश्वासन दिया और जल्द ही बेटे को पेश करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर जब आईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने फरार आरोपी करण मोरवाल पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, जहां महिला थाना और क्राइम ब्रांच पुलिस लगातार छापेमार कार्यवाही कर आरोपी की धरपकड़ में लगे हुए हैं। उस पूरे मामले को पुलिस गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। पूरे मामले में लगभग अभी तक का जो 15,000 रुपये का इनाम घोषित हुआ था, उस इनाम की रकम को बढ़ाते हुए अब 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जगह जगह सूचना देने वालों के बारे में संबंधित सूचना भी शहर में जगह जगह उसके संबंधित सूचना लगाई गई है। साथ ही कुर्की जब्ती से संबंधित जो कार्रवाई है वो भी प्रक्रियाधीन है, वो भी माननीय न्यायालय में अंतिम चरण में है। इन सारे कार्रवाइयों के साथ साथ पुलिस की टीमों ने अलग अलग 7-8 जगहों पे अलग अलग दबिशें दी हैं, वहाँ पे लगातार कार्रवाइयाँ की हैं। साथ के जिन लोगों को संबंधित लोगों के बारे में जानकारी हो सकती है उनसे भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इसलिए उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्द ही शीघ्र गिरफ्तारी होगी। पुलिस इसके लिए चौतरफा प्रयास कर रही है।